सभी को नमस्कार। एमआर से केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वाथी मिश्रण, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा कि स्थिर क्वाथी मिश्रण होता क्या है। तो वह द्विघटकीय मिश्रण जिसका द्रवावस्था एवं वाष्प अवस्था में संघनन समान हो और वह एक स्थिर ताप पर उबले, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। यानी नेक्स्ट देखिए, वह द्विघटकीय मिश्रण जिसका द्रवावस्था एवं वाष्प अवस्था में संघनन समान हो और वह एक स्थिर ताप पर उबले, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। ध्यान रखना, जो स्थिर क्वाथी मिश्रण होते हैं इनका भाप या आसवन विधि द्वारा पृथक्करण संभव नहीं है। बात इनके प्रकार की करें तो स्थिर क्वाथी मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक है न्यूनतम क्वथनांकी, न्यूनतम क्वथनांकी, या दूसरा नाम इसका अधिकतम वाष्प दाबी। न्यूनतम क्वथनांकी या अधिकतम वाष्प दाबी स्थिर क्वाथी मिश्रण। नंबर दो है अधिकतम क्वथनांकी या न्यूनतम वाष्प दाबी स्थिर क्वाथी मिश्रण, ठीक। तो नंबर एक अपन देखते हैं न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो देखिए, जैसा इसका नाम है वैसे इसकी परिभाषा है। न्यूनतम क्वथनांकी वह स्थिर क्वाथी मिश्रण जिसका क्वथनांक उसके शुद्ध घटकों शुद्ध अवयवों के क्वथनांक से कम हो वो कहलाता है न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण। यानी इसका नाम अधिकतम वाष्प दाबी कैसे पड़ा, कि जो न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण के उदाहरण होते हैं तो ये राउल्ट के नियम से जितने भी धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन होते हैं वो सभी न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। यानी जितने भी राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन के उदाहरण होंगे वो अपने होंगे न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण के। उसका कारण क्या है, जैसे एग्जाम्पल हमने क्या एथेनॉल प्लस H2O, एथेनॉल प्लस H2O, दूसरा है मैथेन प्लस H2O। यानी मैथेनॉल प्लस H2O, एथेनॉल प्लस H2O, ये सभी एग्जांपल आपसे किसमें कहते हैं राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन होंगे। तो इस प्रकार के जो विलयन थे उसमें क्या था, विलय विलय और विलायक विलायक के बीच जो इंटरेक्शन होता है आकर्षण बल होता है वह विलय विलय के बीच लगने वाला आकर्षण कैसा होता है, कमजोर होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, माने इसको मान लिया मैंने विलय, इसको मान लिया मैंने विलय, तो जब इन विलय विलय के अणु के बीच लगने वाला आकर्षण प्रबल होगा तो विलय विलय के अणु के बीच आकर्षण नहीं टूटेगा और विलय के बीच आकर्षण नहीं बनेगा तो विलयन नहीं बनेगा। उस कंडीशन में इसको गर्म करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा तो यह बंध टूटेगा, यह विलयन विलायक से क्रिया करके विलयन बनेगा। तो उस कंडीशन में गर्म करने पर इसके वाष्प दाब में क्या हो जाती है, वृद्धि, इसलिए कहलाता अधिकतम वाष्प दाब स्थिर क्वाथी मिश्रण, ठीक। जैसे एग्जाम ओपन क्वेश्चन आया है एथेनॉल 95% एथेनॉल व 5% H2O यानी पानी के मिश्रण को भाप या आसवन विधि द्वारा पृथक नहीं कर सकते। उसका कारण क्या है कि जो इस प्रकार का जो विलयन बनता है वह स्थिर क्वाथी मिश्रण बनता है और मैंने आपको पहले बताया जो स्थिर क्वाथी मिश्रण बनता है उसको भाप या आसवन विधि द्वारा पृथक नहीं कर सकते, ठीक है। इस प्रकार अपना हुआ कंप्लीट न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण। नंबर दो है अपना अधिकतम क्वथनांकी या न्यूनतम वाष्प दाबी स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो देखते हैं अधिकतम क्वथनांकी, अधिकतम यानी पहले वाले क्या होता है जस्ट विपरीत उल्टा। तो इस प्रकार की स्थिर क्वाथी मिश्रण का जो क्वथनांक होता है उसके शुद्ध घटक क्वथनांक से कैसा होगा, अधिक होगा, इसलिए अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण। जो इस प्रकार के जो मिश्रण है विलयन है और राउल्ट के नियम से जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन है
वो सभी किसके उदाहरण हो जाएंगे, अधिकतम क्वथनांक की स्थिरोपाधि मिश्रण के। इनका न्यूनतम वाष्प दाब कैसे होगा उसका कारण क्या है, जैसे राउंड के अनुसार ऋणात्मक विचलन प्रदेश का विलयन का एग्जांपल मैंने लिया, जैसे HNO3 plus H2O, HNO3 plus H2O, तो इसमें क्या होगा, जो अपना ये जल है H2 है, इसके बीच लगने वाला हाइड्रोजन बंध लगता है, इसे मजबूत होने की वजह से इसके बीच अणु नहीं टूटेगा, इसे क्रिया करके आसानी से विलयन बनाएगा, बनाएगा तो इसका वाष्प दाब कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो इसके क्वथनांक वाष्प दाब कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए इसका नाम है न्यूनतम वाष्प दाबी या अधिकतम क्वथनांक स्थिरोपाधि मिश्रण। इस प्रकार जो अपना स्थिरोपाधि मिश्रण दो टाइप के, न्यूनतम क्वथनांक स्थिरोपाधि मिश्रण एवं अधिकतम क्वथनांक स्थिरोपाधि मिश्रण, ये अपना कंप्लीट होगा। इसके जितने भी उदाहरण होंगे राउंड के निमिषा जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहे हैं उसके सभी एग्जाम्पल न्यूनतम क्वथनांक होंगे, वो जो राउंड के नियम से जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले जो सभी एग्जांपल होंगे अधिकतम क्वथनांक की स्थिरोपाधि मिश्रण के। इस प्रकार से अपना एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज समाप्त होगा, बाकी नेक्स्ट।